से यही कहना चाहता हूँ, जो मोबाइल में बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हैं, उनसे यही मेरी विनती आग्रह है कि आप लोग यहाँ पधारिए, हमारे को ताकत प्रदान करिए। सरकार देरी हो चुकी है, सुन नहीं रही है, वो जरूर सुनेगी, वो हमारी परीक्षा ले रही है। आप सभी लोग यहाँ पधारिए, जो नहीं आ सकते वो अपने अपने जिलों में ज्ञापन दीजिए, वहाँ पर पुतले जलाइए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और आंदोलन यहाँ चल रहा है, बिल्कुल कोई गलत जानकारी जिन्होंने फैलाई है उससे भ्रमित ना हो। आज है उपखंड मुख्यालयों पे और जिला मुख्यालयों पे भी हमारे बहुत सारे लोग है, पूरे 33 जिलों में धरने प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर भी अनशन शुरू किया जाएगा। हमारा जो अनशन है, जो क्रमिक अनशन, वो लगातार शुरू, यहाँ पे सभी भाई बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार जो हो चुकी है, जो विवादित बयान दिया डोटाश्री ने, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में ये पूरे प्रदेश में आज युवा लोग सब उग्र तरफ से हो चुके हैं और भी उग्र होगा। अभी जोधपुर में भी, विश्वविद्यालय में भी अनशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो महिलाओं का अपमान किया डोटाश्रिया जी ने, इसलिए पूरे प्रदेश में क्रांति आ गई है। और बहुत से कांग्रेस के लोग भी जो जो पद हैं उनसे त्याग पत्र दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह से पार्टी जो कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही है, तो कार्यकर्ता भी दूध जा रहा है और युवा भी दूध जा रहा है। और आने वाले पंचायत में इनको बहुत बड़ा मजा चखा दिया जाएगा, अगर हमारी तिथि नहीं बढ़ाई, हमारे पद नहीं बढ़ाए और ये जो हमारी कुछ मांग है, 5 मांगे नहीं मानी, तो सरकार का हल्ला बोल किया जाएगा, इसके पूरे प्रदेश में से सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों। तो ये हमारे साथ में मौजूद थे समीर यादव, और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर महिलाएं भी यहाँ पर अधिक संख्या में मौजूद हैं, और अपन यहाँ पर बात करना चाहेंगे। दीदी बोलो लाइव, अगर आप कुछ ये बोलो। हमारे मंत्री को सोचने वाली बात है, ये हमें नहीं कहना चाहिए ये वाली बात कि हमें इतने परसेंट हमारा कोटा फिक्स करो, बाहर के लोगों का कोटा फिक्स करो, ये हमारे सोचने की बात नहीं है। हमारा मंत्री सोचे, यदि उन्हें तरक्की चाहिए हमारे राजस्थान की, तो ये हमें नहीं सोचने की जरूरत है, कहने का जरूरत नहीं है ये चीज कि उन्होंने फॉर्म भी इतने ज्यादा भरवा लिए गए बाद में, और उसके बाद उनको परीक्षा का टाइम नहीं दिया गया, यूं ही समझते हैं वो हर चीज को। अब हमारे मंत्री को ये भी सोचना चाहिए और आरपीएससी को सोचना चाहिए कि आज के टाइम में लड़कियों को बाहर निकलने तक अनुमति नहीं है, उनके साथ कितनी दरिंदगी होती जा रही है, फिर भी हम रात को यहाँ में बैठना पड़ता है, तो बैठना पड़ता है उन लोगों की कमी की। और आरपीएससी की कमी है कि आरपीएससी की वजह से ही ये एग्जाम डेट बिना सोचे समझे निर्धारित की गई है, और खुद उन्होंने मीटिंग की थी कि जनवरी में फरवरी में एग्जाम हो ही नहीं सकता, फिर अचानक कैसे दे दिए डेट। उनको ये सोचना चाहिए था, उनको ये सोचना चाहिए, अभी अभी फॉर्म भरवाए हैं, अभी अभी डेट दे दी, और इतनी जल्दी बच्चे तैयारी क्या करेंगे, कोई फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, कोई पहले की दूसरी क्लास के बच्चों का एग्जाम तो है नहीं। फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम का टाइम सिलेबस समझने में लग जाते हैं 2-3 महीने, तो जो एग्जाम इतनी जल्दी हम कैसे करेंगे। हमारी क्यों कोचिंगों में फीस लगवाई, क्यों घर से बेघर किया, क्यों ससुराल वाले से इतनी मुसीबतों में अनुमति लेते हैं, घर से बाहर आते हैं, कैसे कैसे औरतों की कितनी जिम्मेदारियाँ होती है। और बीता सोच समय वैसे एजुकेशन का जो स्टडी का जो राजस्थान का जो लेवल है वो पूरे भारत में कितना नीचा गिरा हुआ है, और जब औरतें आगे बढ़ना चाहती थी तो तुम जैसे आरपीएससी के जो बैठे हैं नुमाइंदे, वो उन्हें आगे बढ़ रहे थे, पीछे टांग खींचते और कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बचाएंगे बेटी, कैसे पढ़ाएंगे बेटी, जब तुम लोग भी आगे नहीं आने देते तो कैसे करेंगे हम इस भारत का निर्माण। और जो कहते युवा युवा युवाओं को तुम लोग टांग खींच रहे हो, युवाओं की युवाओं को पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, फिर युवाओं से क्या उम्मीद रखते हो, कैसे होगा एक नए भारत का निर्माण, युवाओं को आगे बढ़ने की अनुमति तो तुम दे ही नहीं रहे। औरतें अपना संकल्प लेके आगे बढ़ने की कोशिश करती, तो औरतों को जो एक औरत दो दो घर को संभालती है, फिर भी वो अपने घर से बाहर होके शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छी पदवी हासिल करना चाहती है, और तुम कहते हो मेरा हम राजनेता है, हम भारत का नव निर्माण करने के लिए युवाओं का साथ देंगे, साथ नहीं दे रहे, हमारा टांग खींच रहे हो, हमारी बर्बादी का कारण बन रहे हो तुम लोग। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ बस आरपीएससी और अध्यक्ष से और सभी से। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अब और इससे संपूर्ण राजस्थान को ये संदेश दिया कि जितने भी हम साथी हैं वैक्यता भर्ती परीक्षा के, और जितने भी हम विद्यार्थी हैं, हम सब एक, जो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा यहाँ पर साथी है जो अनशन पर बैठे, इसी कड़ी के अंदर जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर भी आज 1 बजे से हमारे साथी है वो अनशन पर बैठे, और आप सभी भी जो जयपुर नहीं आ सकते किसी कारण, उन सभी से मेरा निवेदन है कि सभी उपखंड मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर आप अनशन पर और धरने पर बैठ कर के सरकार को ये संदेश दें कि हमारे जो भाई राजस्थान विश्वविद्यालय में बैठे हैं वो अकेले नहीं, हम सब उनके साथ हैं। पूरा जो छात्र संघ है, जितने भी छात्र हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम अभ्यर्थी हैं, हम सब एक साथ हैं। काम क्या करते हो सुंदर जी? मेरी टेलरिंग की दुकान है।
दर्जी, मेरी बेटी की शादी किसी प्रोफेशनल से होगी। और साथियों, जो हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग ही हमारी ताकत हैं। और हमें जो नई ऊर्जा और स्फूर्ति का जो हमें संचार होता है, वो आप सभी के सहयोग और साथ से ही होता है। मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ कि शहरी सरकार को हमारी मांगे सुनाने के लिए आज संपूर्ण राजस्थान में हमारे जितने भी साथी हैं, राजस्थान स्कूल बच्चे थे, भक्ति के जो थे, वो सभी उत्पन्न होगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये आप देख सकते थे दोस्तों, युवा हल्ला बोल के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, ईरा बोस यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान लोक संग्रहालय के मुख्य द्वार पर धरने का सत्ता दिन है, जिसमें काफ़ी तादाद में महिलाएं भी हैं, महिला बच्चे भी हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से वार्ता चल रही है, लेकिन हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हमारी मुख्य मांग है कि इस परीक्षा को स्थगित करके जो डेड लॉक में फॉर्म भरे, उनको मौका मिलना चाहिए। वैकेंसी में जो पदों की बढ़ोतरी, जो 5,000 पद है, 5,000 से 10,000 की जाए और बाहरी राज्यों का कोटा कम किया जाए, लेकिन अभी तक हमारे पास में ABVP, NUCI, BJP के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने लिख करके राजस्थान के जितने भी BJP के विधायक हैं, उन सब ने कहा है कि आपकी मांगें जायज़ है, लेकिन सरकार अभी तक हमारी मांग सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं सिर्फ लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानते हैं, तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे। और 14 तारीख को जो दिल्ली में कांग्रेस का जो सम्मेलन है, उसके लिए युवा हल्ला बोल जो टीम है, जो दिल्ली में पहले SSC प्रोटेस्ट करवाया था, उसी प्रकार दिल्ली के अंदर उनको काले झंडे दिखाएंगे। ये हमारी पूरी मुहिम है और पूरी युवा हल्ला बोल टीम उसको काले झंडे दिखाएंगे। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े रहे। हमारे साथ में 5 मेरे साथी हैं जो कार्मिक अनशन पे बैठे हैं, और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी गई, तो सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, सभी कार्मिक अनशन पे बैठे हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, ये राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जो विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अभी सुबह सुबह का समय है, अभी विद्यार्थी आने यहां पर शुरू हो जाएंगे। और अभी भी आप यहां पर देख सकते हैं, करीब डटियां नहीं फैलाई, अब मैं देख रहा हूं लगभग 650 विद्यार्थी लाइव बैठे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी एक बार वीडियोज को शेयर करें, ताकि जो विद्यार्थी यहाँ धरना स्थल पर नहीं आ सकते, वो वीडियोज को शेयर करें, और जो अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे, और वहाँ के जो महाविद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षा मंत्री और RPSC अध्यक्ष का पुतला जलाया जाए, जो कि कल राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दो बार